थाना ब्रह्मपुरी क्षेत्र के माधोपुरम क्षेत्र में हुई मासूम से रेप की घटना के बाद मामला तूल पकड़ता दिखाई दे रहा है, जहां आज पुलिस आरोपी को लेकर महिला थाने आई। इसी बीच पीड़ित लड़की के परिजनों की नज़र आरोपी युवक पर पड़ गई और उन्होंने आरोपी की पिटाई करने के लिए पुलिस जीप पर हमला कर दिया। आरोपी पर पुलिस हिरासत में हमला होता देख हड़कंप मच गया। आनन फानन में भारी पुलिस बल मौके पर पहुँचा और किसी तरह पीड़ित परिजनों को समझा बुझा कर मामला शांत कराया गया। गौरतलब है कि कल थाना ब्रह्मपुरी क्षेत्र के माधवपुरम इलाके में एक मासूम से दुष्कर्म हुआ था और इस बात की खबर जब पीड़ित लड़के के परिजनों को लगी तो उन्होंने आरोपी युवक के घर पर हमला कर तोड़फोड़ करते हुए बवाल काटा। वही पुलिस ने इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसे अदालत में पेश कर जेल भेजा जाएगा। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, इसमें 5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ और जो आरोपी है कल ही मौके पर तत्काल पकड़ लिया गया। कुछ लोगों में आक्रोश था, वो आक्रोश को भी हम लोगों ने समझा बुझा के शांत किया। उसमें आक्रोश में कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई कुछ लोगों पर ज़्यादा हो गया और इसमें आरोपी की भी शायद कुछ थोड़ी बहुत पिटाई हो गई है। जिस दरोगा का संरक्षण प्राप्त है, दरोगा की जाँच करा के CO ब्रह्मपुरी से और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हाँ, तो जिन लोगों ने इसकी आड़ में, इस दुष्कर्म की आड़ में जो लोग इसमें गुंडई कर रहे हैं या सभासद के चुनाव के लेके अपना वहाँ रंग जमाने की कोशिश कर रही है, तो उनके खिलाफ एक अलग से FIR करा के उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 24 आवर्स टुडे न्यूज को सब्सक्राइब करें और रेगुलर न्यूज अपडेट के लिए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए।